टू सरमीज किचन। आज मैं फ्रैंकी बनाने जा रही हूँ। तो फ्रैंकिन के लिए मैं पहले ली हूँ ये 2 कप मैदा और ली हूँ बड़ा चम्मच 2 चम्मच पाउडर मिल्क, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और स्वाद अनुसार नमक। बैलेंस करने के लिए थोड़ा शुगर पाउडर ली हूँ। पहले मैं इसका रोटी बना लेती हूँ फ्रैंकिन का। पहले ये पाउडर मिल्क इसमें दे रही हूँ और ये कॉर्नफ्लावर दे रही हूँ। 1/2 चम्मच नमक दे रही हूँ, 1/2 चम्मच चीनी दे रही हूँ। देखिए ड्राई सामान सबको मिला ले रही हूँ। 1 कप के हिसाब से 2 कप मैं मैदा ली हूँ। अब मैं इसको एक बैटर बना ले रही हूँ। जैसे हम लोग छिलका का बैटर बनाते हैं वैसे ही ये बैटर बनेगा। ये देखिए मेरा बैटर तैयार हो गया, ऐसे ही चाहिए। देखिए मेरा ये ग्लास के हिसाब से, ये ग्लास के हिसाब से मेरा 1.5 ग्लास पानी लगा है। मैं ये आइए मैं इसका रोटी बना लेती हूँ। मैं तवा बैठा दी हूँ, नॉन स्टिक का ली हूँ। इसमें कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक ही लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत पतला रोटी होता है तो ये चिपक जाएगा तवा में। तो मैं नॉन स्टिक का ये फ्राई पैन ली हूँ, मैं इसमें रोटी करूँगी। तो इसको मैं मीडियम आँच में गर्म कर ले रही हूँ। हाई फ्लेम में नहीं दूंगी क्योंकि इसको मैं ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करूँगी। कि मेरा मीडियम गर्म हो गया है, ज़्यादा मैं तेज़ गर्म नहीं की हूँ। अब मैं ये करछी, ऐसे एक ऐसे करछी ले सकते हैं, ये एक करछी मैं इसमें दे दूँगी। देखिए इसको अच्छी तरह फैला लूँगी, जैसे भूसा फैलाते हैं वैसे फैला लूँगी। इसको पतला रोटी बनाना है एकदम। अब मैं इसको सेक लूँगी, ये जैसे ऊपर में ऐसे ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसको पलट दूँगी। एकदम इसको मीडियम फ्लेम में ही बनाना है, इसको तेज नहीं करना है। ये देखिए मेरे ऊपर में ड्राई हो गया है। अब मैं इसको पलट दे रही हूँ धीरे धीरे करके। एक तरफ सीखिए इसको मैं पलट दे रही हूँ और एक तरफ सेक ले रही हूँ। इसको मैं अभी इतना ही सेकूंगी, ज़्यादा नहीं सेकूंगी क्योंकि इसको फ्राई करूँगी फ्रैंकिन बनाने समय। इसको हल्का हल्का खाली सेक के रख दूँगी। सीख गया, आप कपड़े के सहारे से ऐसे करके इसको दबा दबा के फुला सकते हैं। मैं इसे दबा दबा के इसको रोटी की तरह सेक ले रही हूँ। देखिए मेरा रोटी हो गया है, अब मैं उतार ले रही हूँ। ऐसे करके मैं सारा रोटी रेडी कर ले रही हूँ पहले। देखिए मेरा हो गया ये लास्ट रोटी। मैं फ्रैंकी ऐसे ही बनाती हूँ फ्रैंकी का रोटी, क्योंकि इसमें डो लगाना पड़ता है। मैदा सान के बनता है, बट होटल में या फिर स्ट्रीट फूड में वो लोग डो बना के बनाते हैं, आटा मैदा सान के बनाते हैं। तो मैं ये ऐसे गोला करके मैं बना रही हूँ ताकि वो पतला भी होगा और सॉफ्ट भी होगा। देखिए मेरा हो गया रोटी। आप ऐसे बना के एक दिन पहले इसको बना के फ्रीज में कपड़ा से ऐसे लपेट के एक एयर टाइट डब्बा में भी रख सकते हैं। पहले इसको फ्रैंकी रोटी बना के फिर स्टफ भर के भर भी सकते हैं। ये देखिए मेरा सारा रोटी कैसे तैयार हो गया। इसको एकदम ये देखिए ऐसे करके रखते हैं, या फिर सुबह बना लीजिए ऐसे और शाम को आपका ये डिनर हो जाएगा या ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे करके सब रोटी को मैं बना ली हूँ, कंप्लीट है रोटी। अब आइए इसका स्टफ मैं बना ले रही हूँ। मैं इसका फ्रैंकी मसाला बना लेती हूँ। फ्रैंकी मसाला के लिए जो मैं स्टफ ली हूँ, ये मैं आज आलू का स्टफ बना रही हूँ। तो इसीलिए मैं ये 4 बॉयल्ड आलू ली हूँ बड़ा साइज का, और ली हूँ धनिया पत्ता, और उसके सलाद ऊपर में देने के लिए ली हूँ मैं बंधा गोभी और कैप्सिकम। ये मैं लंबा सेट में काट ली हूँ बंधा गोभी को, ये देखिए लंबा लंबा काट ली हूँ। कैप्सिकम को भी मैं लंबा लंबा काट ली हूँ। आपके पास जो वेजिटेबल अवेलेबल रहेगा वो ले सकते हैं, बट मैं ये ली हूँ। आप जो ऑनियन खाते हो ऑनियन ले सकते हैं, बट मैं ऑनियन बगैर बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं ये कैबेज और कैप्सिकम ली हूँ। फ्रैंकी मसाला मैं ली हूँ 1 चम्मच बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच बड़ा चम्मच मैं जीरा पाउडर ली हूँ, 1 चम्मच मैं ली हूँ आपकी रोस्टेड जीरा पाउडर, गरम मसाला,
आमचूर पाउडर, चाट मसाला, ये गोल ब्लैक पेपर पाउडर ली हूँ, गोलकी पाउडर, और ली हूँ ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी ली हूँ, ये रेड चिली पाउडर मैं ली हूँ। आइए मैं पहले इस सबको एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। इसको मिक्स कर ले रही हूँ। आप घर पे ही फ्रैंकिन मसाला बना सकते हैं, बाजार रेडीमेड भी ले सकते हैं, बाजार में आप इजीली मिल जाता है ग्रोसरी की दुकान पे फ्रैंकिन मसाला बोलने से। देखिए मैं मिक्स कर ली हूँ, इसमें मैं ज़्यादा नमक नहीं दूंगी, हाफ चम्मच मैं नमक दूंगी और हाफ चम्मच चीनी दूंगी। ये मसाला बना के एक महीना तक स्टोर कर सकते हैं घर पे। नमक दे के रखने से मसाला में कीड़ा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं नमक थोड़ा दे दी हूँ इसमें। चार आलू ली थी, इसको मैं मैश कर ली हूँ। अब मैं पैन बैठा दी हूँ इसमें, और ये मैं बटर में बना रही हूँ, ये बटर में ही बनता है, बटर ली हूँ। इसमें थोड़ा ज़्यादा बटर लगेगा, मैं ये दे रही हूँ 2 चम्मच करीब बटर। ये बटर को मेल्ट कर लूँगी, इसलिए मैं गैस फ्लेम को एकदम लो कर दे रही हूँ ताकि वो जले ना बटर। ये देखिए मेरा बटर मेल्ट हो जा रहा है, हो गया है। अब मैं ये जो फ्रैंकिन मसाला बनाई थी इसमें मैं 2 चम्मच दे दूँगी। देखिए ये हल्दी और ये कश्मीरी लाल मिर्च इसमें दे दूँगी। 1 सेकेंड के लिए इसको मिला ली। अब मैं ये जो आलू जो मैश की थी इसको दे दूँगी इसमें। मैं इसको मिला ले रही हूँ आलू को मसाला सब में। मैं इसको सॉटे कर ली हूँ 1 मिनट के लिए। अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि मसाला ये आलू में चला जाए। इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दी थी। ये देखिए मेरा आलू पूरा एकदम नरम हो गया है, इसके साथ मसाला पूरा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक दूंगी, नमक थोड़ा कम दूंगी क्योंकि मैं इसका डीप भी बनाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें कम लगेगा। स्वाद अनुसार नमक दीजिएगा, मैं कम दे रही हूँ नमक क्योंकि इसके डीप में भी नमक रहेगा, इसके रोटी जो मैं बनाई हूँ फ्रैंकी रोटी उसमें भी नमक है, तो इसमें थोड़ा नमक अंदाज हिसाब से दीजिएगा। अब इसमें को मैं मिला के अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ करके ढक के रख दे रही हूँ। देखिए मैं मिला दी हूँ नमक, अच्छी तरह मिला दी हूँ, तो ऑफ करके ढक दे रही हूँ। जब तक वो ढका है आलू तब तक मैं इसका डीप बना ले रही हूँ। तो डीप के लिए मैं ली हूँ ये ग्रीन चटनी, धनिया पत्ता की चटनी ली हूँ। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ धनिया पत्ता और आधा इंच अदरक और 2 मिर्चा से मैं इसको पेस्ट कर ली हूँ। ये मेरा धनिया पत्ता, नमक स्वाद अनुसार दी हूँ, थोड़ा सा हल्का बैलेंस करने के लिए मैं इसमें चीनी दी हूँ। तो ये मेरा धनिया पत्ता का चटनी रेडी है। ये मैं ले रही हूँ 1 चम्मच इसमें से। मैं इसमें खट्टा नहीं दी हूँ कोई ये चटनी में, क्योंकि मैं ये सॉस दूंगी बोल के इसमें मैं कोई खट्टा नहीं दी हूँ। तो अब मैं इसमें ले लूँगी 1 चम्मच सॉस और ये 1 चम्मच वेज मेयोनीज मैं ली हूँ, वेज मेयोनीज ली हूँ। अब तीनों को मिक्स करके एक डीप बना लूँगी उसका। मेरा डीप रेडी है। अब ये जो मैं सलाद काटी थी इसमें ये मैं फ्रैंकी मसाला छिड़क दूँगी थोड़ा सा ऊपर से सलाद में। आलू में ये धनिया पत्ता मैं दे रही हूँ। देखिए मिक्स कर ले रही हूँ इसको अच्छी तरह। अब थोड़ा मैं ठंडा होने दूंगी क्योंकि इसका एक कटलेट शेप में मैं इसको रोल करूँगी। इसको आलू को ठंडा होने दे रही हूँ। आलू ठंडा होता है मैं तब तक ये फ्रैंकी रोटी फ्राई कर ले रही हूँ। तवा बैठा दी हूँ, ये रोटी सबको मैं फ्राई कर लूँगी। हो गया, मैं 1 चम्मच आके तेल दे रही हूँ। देखिए रोटी को फ्राई कर ले रही हूँ। रोटी सबको मैं पराठा के जैसे फ्राई कर ले रही हूँ।
फ्राई हो गया पराठा, मैं उतार ले रही हूँ। ऐसे करके मैं सारा पराठा को फ्राई कर ले रही हूँ। मैं तेज आंच में इसको सेक रही हूँ। मैं नरम फ्रैंकी बना रही हूँ। जो थोड़ा सा क्रिस्पी खाना चाहते हैं वो लो फ्लेम में इसको फ्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सॉफ्ट के लिए मैं तेज आंच में इसको सेक रही हूँ। ये देखिए मेरा पूरा रोटी तैयार है। अब मैं इसका प्लेटिंग कर ले रही हूँ। मैं आलू सब ये ठंडा हो गया है। अब ऐसे करके आलू को लेके ये लंबा लंबा ऐसे जैसे कटलेट बनता है वैसे सेव कर दूंगी। ऐसे लंबा लंबा ये देखिए मेरा हो गया है ये रेडी। अब आइए इसका प्लेटिंग कर ले रही हूँ। ये देखिए ऐसे करके पहले रोटी लेंगे, लेके ये जो मैं डीप बनाई थी ये डीप इसको इसके ऊपर दे दूंगी। देने के बाद ये जो आलू स्टफ है इसको बीच में मिडिल ऐसे करके दे दूंगी और ये जो सलाद बनाई थी इसको ऊपर से दे दूंगी। थोड़ा फ्रैंकी मसाला फिर से मैं दे दी हूँ। देखिए अब इसको रोल कर ले रही हूँ। ऐसे करके मैं सारा प्लेटिंग बना ले रही हूँ। ये देखिए मेरा फ्रैंकी रेडी है। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए।